नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था दोस्तों वर्गमूल और घनमूल, और वर्गमूल का अपन पार्ट, उसमें से अपन वर्गमूल का पार्ट फर्स्ट देख चुके थे। दोस्तों वीडियो अपना सेशन ज्यादा लंबा नहीं हो पाया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से वीडियो को अपने 8-9 मिनट की रखे। उसके बाद आज अपन पार्ट सेकंड देखेंगे। तो अपन ने देखा दोस्तों वर्गमूल और घनमूल, यानी कि अपन ने 1 से 10 तक के पार्ट फर्स्ट में वर्गमूल देखा था। अपन ने देखा 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो उसके बाद अपन ने इनके यूनिट डिजिट देखे, यानी कि इकाई अंक देखे। और अपन ने इकाई अंक देखने से अपन को यह सिद्ध हुआ कि 2, 3 और 7, 8 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं आए, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट नहीं आई। कहने का मतलब दोस्तों 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट होगी तो वह संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद अपन ने देखा 1 कहां पर आ सकता है। तो अपन ने देखा दोस्तों 1 1 पर आ रहा है, और 1 1 1 पर आ रहा है, और 1 9 पर आ रहा है, यानी कि 81 का यूनिट डिजिट भी 1 है। उसके बाद अपन ने देखा कि 2, 3, 7 और 8 तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब 2, 3, 7, 8 का तो काम नहीं, तो अपन सीधे पहुंचे 4 पर। और दोस्तों अपन ने देखा 4 कहां आ रहा है, तो अपन ने यहां से देखा 4 2 पर आ रहा है दोस्तों। उसके बाद मतलब कि 4 8 पे आ रहा है। इसके बाद अपन ने देखा दोस्तों 5, तो अपन ने देखा 5 सिर्फ और सिर्फ 5 पर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन ने देखा 6 को, अपन ने देखा 6 को तो 6 कहां पर आ रहा है, 6 4 पर आ रहा है कि 16 या 6 पर आ रहा है। उसके बाद अपन ने 7 और 8 का अपन को लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन ने 9 को देखा दोस्तों, तो 9 3 पर आ रहा है और 9 अपना 7 पर आ रहा है। उसके बाद अपन ने 0 देखा दोस्तों, तो 0 सिर्फ और सिर्फ अपना 0 पर ही आ रहा है। इसके बाद अपन मतलब कि अपन ने 10 तक के यहां से स्क्वायर देखे। उसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों जिस संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होगा, 15 से और 95 तक के अपन वर्ग करने, यानी कि स्क्वायर करने की सबसे सिंपल ट्रिक देखेंगे दोस्तों। तो अपन बढ़ते हैं 15 से स्टार्ट करते हैं अपन, यानी कि 15 का वर्ग देखेंगे दोस्तों, और अपन 15 से 95 तक के स्क्वायर देखेंगे, यानी कि जिनका यूनिट डिजिट लास्ट में 5 होगा उनका अपन स्क्वायर की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे। आपको इस प्रकार की ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अपन देखते हैं 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर का मतलब अपन देखेंगे तो यहां से होगा दोस्तों 15 × 15। तो दोस्तों जब अपन ने देखा 15 × 15, तो अपन 5 × 5 करेंगे दोस्तों, तो यहां से अपना निकल के आएगा 25। ये तो हुआ अपना 5 × 5 का काम, लेकिन अगर अपन अगली टाइप से इसको गुणा करेंगे तो यहां पर 1 है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो यहां से ये 1 में प्लस 1 करेंगे तो यहां पर ये दोस्तों 2 बन रहा है। तो 2 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा ये 225। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इस डिजिट में अपन को 1 ऐड करना है। इस प्रकार अपन ने देखा 15 का स्क्वायर 225। इसी प्रकार अपन दोस्तों 25 का स्क्वायर देखेंगे, यानी कि 25 × 25 करेंगे दोस्तों, तो 5 × 5 करेंगे तो 25। और दोस्तों जिस प्रकार अपन ने वहां 1 ऐड किया था उसी प्रकार अपन यहां ऐड करेंगे, या अपन कह सकते हैं इस डिजिट में 1 1 नंबर बढ़ा के, यानी 1 है तो 2 करेंगे, 2 है तो 3 करेंगे, और 3 है तो 4 करेंगे। तो दोस्तों यहां पर 2 था तो यहां पर 3 हो गया, यानी कि 2 × 3 करेंगे अपन तो यहां पर बना 6। यानी कि अपन ने 15 का स्क्वायर देखा 225 और अपन ने 25 का स्क्वायर देखा 625। इसी प्रकार अपन देखेंगे दोस्तों 35 का स्क्वायर, इसी प्रकार अपन ने 35 का स्क्वायर देखा दोस्तों, तो 5 × 5 करेंगे दोस्तों 25। और मैं आपको बता चुका हूं इस डिजिट में अपन 1 अंक बढ़ाएंगे, यानी कि 1 संख्या बढ़ाएंगे, तो यहां से 3 × 3 का 4 हो गया, यानी कि 3 × 4 करेंगे यहां से, तो यह अपना निकल के आएगा 1225। इसी प्रकार दोस्तों अपन 45 का भी करते हैं, यानी कि 45 × 45 करेंगे तो 5 × 5 करेंगे तो 25। और यहाँ पर फिर अपन को 1 प्लस करना होगा, तो 4 × यहाँ पर प्लस करने से 5 हुआ, 4 × 5 करेंगे तो दोस्तों यहां से अपना आया 20। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इस डिजिट में अपन 1 है तो 2 करेंगे, 2 है तो 3 करेंगे, 3 है तो 4 करेंगे। यानी कि अपन ने 15 का स्क्वायर देखा यहां से 225, उसके बाद अपन ने 25 का स्क्वायर देखा 625, उसके बाद अपन ने 35 का स्क्वायर देखा दोस्तों 1225, उसके बाद अपन ने 45 का स्क्वायर देखा तो 2025। उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों 55 का स्क्वायर, और इसको आप सोल्व कीजिए दोस्तों जिससे आपको समझ आए नहीं आए पता तो लग जाए। 5 × 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 25, और यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो यह हुआ है दोस्तों अपना 6, और 5 × 6 करेंगे तो दोस्तों यह निकल के आएगा 30।
यानी कि अपन ने 15 का स्क्वायर देखा, उसके बाद 25 का स्क्वायर देखा, उसके बाद 35 का देखा, 45 का देखा, 55 का देखा, उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों 65 का स्क्वायर, यानी कि 65 × 65 करेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25, और यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये होगा 7, और 6 × 7 करेंगे तो ये आएगा अपना 42, यानी कि अपन ने 65 का भी स्क्वायर देखा, तो 65 के स्क्वायर में अपन 65 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बढ़ेंगे अगले 75 पर, यानी कि 75 × 75 करेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25, और यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो यानी कि दोस्तों अपन पहुंचे 8 पर, और 7 × 8 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 56। उसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों 85 को, यानी कि दोस्तों 85 को देखेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25, और दोस्तों यहाँ पर 8 है तो अपन 1 बढ़ाएंगे यानी कि 9 हुआ, 8 और 9 करेंगे तो 72। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे 95 को, यानी कि 95 × 95 करेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25, यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पहुंचे अपन 10, यानी कि 90 25, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपन ने 5 यानी कि 15 से 95 तक के स्क्वायर की ट्रिक देखी, यानी कि अपन ने देखा इस वाले डिजिट में एक नंबर यानी कि 1 है तो 2 किया, 2 है तो 3 किया, और दोस्तों अपन ने 95 तक के स्क्वायर देख लिए। तो दोस्तों मेरे को आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार की ट्रिक आपको समझ आ रही होगी, और दोस्तों आपको इस प्रकार की यानी कि अपन से पूछ लिया जाएगी 95 के स्क्वायर कीजिए, तो आप 95 के स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 9 में 1 बढ़ाएंगे इधर, 10 × 9 करेंगे तो 90। इसी प्रकार अपन ने 75 का देखा, 55 का देखा, 85 का देखा, 35 का, यानी कि 15 से अपन कहां पर पहुंचे दोस्तों 95 तक अपन इस प्रकार की स्क्वायर देखे। अब अपन दोस्तों कुछ स्क्वायर चेक करना सीखते हैं कि यह मतलब कि किस प्रकार स्क्वायर चेक किया जाता है, यह तो अपन ने सीखा स्क्वायर करना, जिस प्रकार से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे उसी टाइप से अपन चेक करते जाएंगे, उसी टाइप से अपन क्वेश्चन करते भी जाएंगे। तो दोस्तों अपन आगे देखते हैं, अपना कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसके बाद। और दोस्तों ये तो अपना परफेक्ट, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, यानी कि जिस प्रकार से अपन देखते हैं यानी कि अपन को ऑप्शन दे रखे हैं 625 622 633 और 737, यानी कि दोस्तों अपन से पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों अपन को चेक क्या करना है, दोस्तों अपन को चेक करना है सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेक करके अपन बता सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों 2 किसी भी संख्या में होगा तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 होगा तो भी किसी भी संख्या का नहीं होगा, और 7 होगा तो भी किसी भी संख्या का नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अपना रूल कहता है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। कहने का मतलब यहाँ से अपना उत्तर आता है 625, और जो अपन देख चुके हैं 625 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि दोस्तों आपको यह ट्रिक यानी कि 2 3 और 7 8 अगर आप नंबर याद रखेंगे तो स्क्वायर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों अपन को ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं, और दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो अपन यूनिट इसे चेक करके पता कर सकते हैं। दोस्तों अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन देखा और अपना उत्तर आ जाएगा। तो उसके बाद अपन कुछ चेक करते हैं, अपन स्क्वायर निकालना है, अपन स्क्वायर निकालना सीखा, उसके बाद अपन स्क्वायर से रूट निकालना सीखेंगे। तो अपनी पहली संख्या लेते हैं अपन 1681, यानी कि दोस्तों अपन कहने का मतलब 1681 का रूट देखेंगे यहाँ से। तो आपको मैं बता चुका हूं अगर यूनिट डिजिट 1 है तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, यानी कि लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं 81 का, तो अपना अब बात करते हैं अपन 16 की। तो दोस्तों अपन 16 की बात करते हैं तो 16 किसके बीच में आता है, तो दोस्तों 16 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के बीच में आ रहा है 16। तो दोस्तों अपन 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो यहां से मतलब कि यूनिट डिजिट अपना 1 और 9 निकल के आया। कहने का मतलब यानी कि 41 और 49, यानी कि अब अपना यहां तक तो अपन पहुंच गए दोस्तों कि 41 या 49 होगा उत्तर, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन यह होता है कि 41 होगा या 49 होगा। इसके लिए भी दोस्तों अपन एक इतनी बेहतर ट्रिक से सोल्व करेंगे, किसी भी प्रकार का अगर यहां तक आप पहुंच गए तो आपको स्क्वायर निकालने में स्क्वायर से अपन को संख्या निकालने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब या तो 41 होगा या 49 होगा, अपन इसका किस प्रकार से इसको सेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 41 किसके पास है, 41 यानी कि 4 के पास है, यानी कि
अपन ने देखा 16 किसके पास है ज्यादा, 16 चार के पास है। तो दोस्तों जब 16 चार के पास है तो अपन देखेंगे यहां से 25 तो ज्यादा हो रहा है और 16 कम है, तो अपन कम हो रहा है तो मतलब अपन छोटी वाली वैल्यू लेंगे। और अगर यह 25 के पास होता दोस्तों तो यहां से अपन मतलब कि अपना उत्तर 49 होता, तो यहां से अपना उत्तर निकल के आएगा दोस्तों 41। यानी कि दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, अपन से कह रहे हैं 1641 का रूट निकालिए। तो मैं आपको बता चुका हूं यूनिट डिजिट एक होगी तो लास्ट में यूनिट डिजिट भी या तो एक होगी या नौ होगी, यानी कि कहने का मतलब यूनिट डिजिट अपनी दो ही होगी, या तो एक होगी या नौ होगी। अब दोस्तों बात आती है 81 का, अपन ने यहां से काम खत्म किया, बात आती है दोस्तों 16 की। तो अपन 16 के लिए देखेंगे दोस्तों, तो 16 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के बीच में है। तो दोस्तों यहां से अपन ऊपर वाली संख्या को लेंगे, हमेशा ये अपना रूल होगा, तो यहां से अपन 4 को लेंगे। यानी कि अब बात दोस्तों यहां पर आ गई, या 41 का होगा या 49 का होगा सर जी। तो दोस्तों इसके लिए अपन को ये देखना है कि 16 चार के नजदीक है या 5 के नजदीक है। तो सर दोस्तों हमने अपन ने देखा कि सर जी ये तो 4 के नजदीक है, तो अब क्या करें, तो इसके लिए ये करना है 4 के नजदीक है तो अपन को, 4 के नजदीक है तो अपन को छोटी वाली संख्या लेनी है। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां पर 5 के नजदीक भी होगा, तो फिर क्या करें सर जी, तो फिर अपन को 5 यानी कि बड़ी संख्या लेनी तो हमेशा ऊपर वाली है, लेकिन इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि यहां पर जब 5 के नजदीक होगी तो उस कंडीशन में अपना उत्तर 49 होगा, लेकिन यह दोस्तों 4 के नजदीक है तो यहां से अपना उत्तर होगा दोस्तों 41। यानी कि दोबारा समझ लीजिए, कहने का मतलब अपन ने 81 देखा, यानी कि यूनिट 1 थी तो अपन ने देखा या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा, लेकिन दोस्तों अपन ने 1 और 9 तो कंफर्म कर लिया। उसके बाद अपन ने देखा 16 किसके पास आ रहा है, तो दोस्तों 16 4 और 5 के बीच, और यानी कि हमेशा अपन को 16 यानी कि जिसके बीच आएगा, यानी कि अपन सोचते कि 8 और 9 के बीच आ रहा है 16, यानी कोई भी संख्या होती वो 8 और 9 के बीच आती, तो अपन को हमेशा यहां तो ऊपर वाली संख्या लेनी है दोस्तों। पर उसके बाद ये देख रहे हैं, उसके बाद अपने पास दो नंबर आए हैं, जैसे देखो अपन 41 और 49 आ गए। अब अपन को कंफ्यूजन ये होता है 41 ले या 49 ले, यानी 41 ले या 49 ले, तो 16 किसके पास है, 4 के पास है, तो यानी कि यहाँ छोटी संख्या लेंगे। और अगर ये अपने 25 के पास होता तो यहाँ पर अपन 49 लेते, इससे आपका दोस्तों कंफ्यूजन दूर हो गया। और देखते हैं अपन एक और इसी तरह, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों क्वेश्चनों को लिख लीजिए, जिससे प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे देखते हैं 625 का, यानी कि अपन यहाँ से छोटी संख्या का देखते हैं 625 का, कि 625 का रूट निकाल, यानी कि कहने का मतलब यूनिट डिजिट 5 है। तो मैं आपको बता चुका हूँ उस कंडीशन में अपनी यूनिट डिजिट 5 ही होगी, यानी कि कहने का मतलब यूनिट डिजिट 5 ही होगी, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अब बात आती है दोस्तों 25 की, यहां से कहानी खत्म हुई। अब बात आती है 6 की, 6 किसके बीच आता है, तो 6 दोस्तों देखिए 2 के और 3 के बीच आते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले अपन को ऊपर वाली संख्या लेनी है, और यहां तो किसी प्रकार का दोस्तों कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि 5 में यूनिट डिजिट 5 ही आता है और 0 में यूनिट डिजिट 0 ही आता है, यानी कि कहने का मतलब अपन ऊपर वाली संख्या लेंगे तो यहां से अपना निकल के आएगा दोस्तों, यानी कि 625 निकल के आया 25। इससे आपको 625 से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और देखते हैं दोस्तों अपन अगला, देखते हैं अपन यानी कि 625 के बाद देखते हैं अपन 1225 का, यानी कि दोस्तों अपन 1225 का देखते हैं, तो यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि कहने का मतलब यूनिट डिजिट तो कुछ भी आओ 5 ही होगी, तो अपन ने यहां पर 5 लिखा दोस्तों, कहने का मतलब 25 का काम खत्म है। बात आएगी दोस्तों 12 की, तो दोस्तों अपन यहां से 12 देखेंगे, तो 12 देखेंगे यहां से किसके बीच है, 3 के और 4 के, तो दोस्तों अपन 3 के 4 के बीच है, तो अपन हमेशा ऊपर वाली संख्या ले रहे हैं, तो यहां से अपन देखेंगे तो 1225 यहां से निकल के आया 35 का। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा, क्योंकि अपन एक क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, और ये टेबल तो आपको याद करनी होगी, क्योंकि जिससे आपको स्क्वायर्स निकालने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड नहीं लगेगी, और दोस्तों इसकी मदद तो लेनी ही होगी, जिससे ऑप्शन देखते ही अपना उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, यानी कि दोस्तों अपन और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला देखते हैं अपन,
यानी कि दोस्तों 3781 का रूट निकालिए। कहने का मतलब दोस्तों 3781 का यानी कि यूनिट डिजिट 1 है, या तो 1 होगी या 9 होगी, यह तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है 34 की, तो दोस्तों अपन देखते हैं 34 किसके बीच है, 34 5 और 6 के बीच है, यानी कि दोस्तों अपन को हमेशा 5 और 6 के बीच है, हमको अपन को यहां से ऊपर वाला ही लेना है हमेशा। अब हुआ 51 और 59, अब बात आती है सर जी 51 है या 59 है, ये पता कैसे लगे, तो इस पता को लगाने के लिए अपन देखेंगे दोस्तों 34 किसके पास है, कि 34 सर जी 6 के पास है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के पास है, तो यहां पर भी अपन बड़ी वाली संख्या लेंगे और यहां से अपना उत्तर निकल के आएगा दोस्तों 59। अब फिर दोबारा देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपन को दे रखे 3781 किसका स्क्वायर है, यानी कि अपन देखेंगे या तो यूनिट डिजिट 1 दिया है, तो या तो 1 होगी या 9 होगी। अब दोस्तों कंफ्यूजन 1 या 9 होगी दोस्तों, ये तो अपन को पता लग गया। उसके बाद अपन आते हैं 34 पे, 34 किसके बीच में आ रहा है, तो अपन ने देखा दोस्तों 34 5 और 6 के बीच में आ रहा है, और यहां हमेशा यो जो अपन डिजिट ले रहे हैं, यो जिसके बीच आ रहा है उससे ऊपर वाला लेना है, ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अपने सामने दो ऑप्शन निकल के आते हैं। अब सर जी ये 51 का है या 59 का है, यह कैसे पता करें, तो दोस्तों इसको पता करने के लिए अपन को ये देखना होगा कि दोस्तों ये 34 किसके नजदीक है, कि सर जी ये तो 6 के नजदीक है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो दोस्तों अपना उत्तर भी बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि 59 होगी। इस प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन एक दो, और दोस्तों इसके बाद मैं आपको 20 तक के स्क्वायर और बता देता हूं, जिससे अपन को क्वेश्चन करने में और भी आसानी होगी। यानी कि अपन दोस्तों 11 का स्क्वायर देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब 11 × 11 करेंगे दोस्तों, तो यानी कि अपना 121, 12 × 12 करेंगे यानी कि 144, 13 × 13 करेंगे दोस्तों यानी कि 169, 14 × 14 करेंगे यानी कि 196, 15 × 15 करेंगे यानी कि 225। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा 15 × 15 करेंगे 225, 16 का करेंगे तो दोस्तों 16 × 16 करेंगे तो 256, 17 का करेंगे तो 17 × 17 करेंगे तो दोस्तों 289। इसी प्रकार अपन देखेंगे, यानी कि दोस्तों उसके बाद अपन देखेंगे 21 वाली लाइन का, 21 × 21 करेंगे यानी कि 21 का स्क्वायर देखेंगे अपन, तो यह आएगा 441। इस प्रकार 20 का तो आपको खुद को ही पता होगा यानी कि 400। इस प्रकार अपन स्क्वायर देखे अपन, यानी कि अपन को स्क्वायर कहां मदद देंगे दोस्तों, कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार अपन ने देखा कि कोई संख्या किसके बीच आ रही है, इस प्रकार के अपन ने 10 तक के एग्जाम पल देखे, उसके बाद दोस्तों अपन आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आती है दोस्तों बात 77 44, यानी कि अपन अगला क्वेश्चन है अपना 77 44, यानी कि दोस्तों बात आती है 4 की, तो 4 किसका यूनिट डिजिट होगा, तो यानी कि दोस्तों 4 या तो 2 का होगा या 8 का होगा, यानी कि या तो 2 का होगा या 8 का होगा। अब दोस्तों यह तो क्लियर हुआ कि यह 2 का होगा या 8 का होगा, उसके बाद अपन बात करते हैं 77 पर, यानी कि 77 कहां आता है, तो दोस्तों 77 देखिए 9 के और 8 के बीच में आता है, और अपन ने मैं बता रहा हूं कि ऊपर हमेशा संख्या हमेशा ऊपर लेनी, या तो 82 का होगा दोस्तों या 88 का होगा। यह तो सर जी अब दो ऑप्शन आ गए, फिर वही कंडीशन कैसे चेक करें, फिर अपन देखेंगे दोस्तों कैसे होगा, यानी कि 77 किसके पास आ रहा है, सर जी ये तो 81 के पास आ रहा है, तो यहां से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, किसी भी कंफ्यूजन में पड़ने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर जी ये तो 81 के पास आ रहे, नहीं कि बड़ी वाली संख्या के पास आ रहे, तो दोस्तों अपना ऑप्शन भी यहाँ पर 88 होगा। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा स्क्वायर देखे, उसके बाद अपन ने देखा कि यूनिट डिजिट, अपन ने 1 से 10 तक के स्क्वायर देखे, और दोस्तों अपन ने 11 से 21 तक के स्क्वायर देखे। आप देख लीजिए कहीं भी अपना 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, और दोस्तों नहीं आएगा, यानी कि अपन ने देखा, तो यहां से अपन को सिद्ध हो गया, यानी कि और अपन ने और इसमें स्क्वायर देख लिए। उसके बाद अपन ने देखा कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता, और होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अपन ने बहुत ही बेहतर ट्रिक देखी, यानी कि 1 आएगा तो 1 और 9 होगा, 2 4 आएगा तो 2 और 8 होगा, 5 आएगा तो 5 होगा, 6 आएगा तो 4 और 6 होगा,
नौ आएगा तो तीन और सात होगा, जीरो आएगा तो जीरो। अब कुछ दोस्तों के मन में इस क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जी दो तीन सात आठ तो अपन ने लिखे ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, दो तीन सात आठ किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट उनकी दो तीन सात आठ होगी तो वह किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, इसलिए अपन ने दो तीन और सात आठ को लेने से कोई फायदा ही नहीं है सर दोस्तों। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन देखा, यानी कि अपन ने यहां देखा कि इस क्वेश्चन को दोबारा देखे दोस्तों, यहां देखा अपन ने कि इसकी यूनिट चार थी, तो दोस्तों अपन को चार देखते ही पता लग गया या तो इसका यूनिट इकाई अंक लास्ट में दो होगा या आठ होगा। अब अपन ने देखा कि या तो दो होगा यूनिट या आठ होगा यानी कि इसका इकाई अंक। अब बात करते हैं अपन दोस्तों 77 पर, तो अपन देखेंगे 77 किसके बीच है, अपन ने देखा 77 आठ और नौ के बीच यानी कि 64 से 81 के बीच अपना कहीं ना कहीं 77 आता है। तो दोस्तों 77 आता है तो अपन हमेशा मैं बता रहा हूं कि ऊपर वाली संख्या लेनी। अब दोस्तों फिर दो ऑप्शन आ गए, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा बार बार, तो फिर अपन देखेंगे 77 किसके पास है, ये तो अपन ने देखा 77 किसके बीच है तो ऊपर वाली संख्या लेंगे। अब बात आती है 81 के पास है, तो 81 के पास है यानी कि बड़ी वाली संख्या के पास है, तो बड़ी वाली संख्या के पास होगा तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगी। यानी कि दोस्तों अपन ने आज इतनी बेहतर ढंग से ट्रिक देखी है कि आपको किसी भी प्रकार का स्क्वायर दो, चाहे स्क्वायर से रूट निकालना दो, चाहे रूट से स्क्वायर निकलो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अपन धीरे धीरे क्वेश्चनों पे रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज अपन ने 95 तक के स्क्वायर देखे, कल अपन 1000 तक के स्क्वायर भी देखेंगे, उससे आगे भी देखेंगे। जिस प्रकार अपन ने आज ट्रिक देखी उसी प्रकार कल भी देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और दोस्तों इसी प्रकार वीडियो मिलने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अपन ने साइंस का भी स्टार्ट कर रखा है, चार इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी अपन ने साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी के अपन चार पार्ट करा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म कर चुके हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 5-5 अपलोड होने वाला है। उस पार्ट 5 में इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, और उनका जल्दी पार्ट 5 स्टार्ट आज अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे अगला पार्ट करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, जय हिंद दोस्तों।